हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है नीट 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ चुका है। पहले कुछ परसेंट ये माना जा रहा था कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होगा, दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स ने पेटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनली गाइस डिसीजन आ चुका है, नीट का जो एग्ज़ाम है कैंसिल नहीं होने वाला है। नीट का जो रिजल्ट है बहुत जल्द आपका अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीट 2021 की कट ऑफ। तो गाइज, आप सब ने अपने स्कोर तो चेक कर ही लिए होंगे कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो सेफ आपका स्कोर क्या रहेगा एडमिशन के लिए, ठीक है, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है। यहाँ मैं सभी स्टेट्स का लेकर चलूँगी कि किस पर्टिकुलर स्टेट की, किस पर्टिकुलर कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। इससे पहले गाइज, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके एग्ज़ाम कट ऑफ, रिजल्ट, एडमिशन काउंसलिंग और ऑफिशियल नोटिस जो भी आपका आएगा सबसे पहले आपको मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। अब हम चलते हैं नीट 2021 की एक्सपेक्टेड स्टेट वाइज कट ऑफ क्या मानी गई है सभी कैटेगरीज की, क्या सेफ मोड रहेगा, कितने मार्क्स आपके आ जाए ताकि आप सेफ जोन में चले जाए, ठीक है। तो देखिए, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं कर्नाटका स्टेट से, ठीक है। तो सेफ मार्क्स जो माने गए हैं अनडिजर्व कैटेगरी का, वो 450 टू 460 माना गया है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ओबीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 440 टू 445 मानी गई है। एससी कैटेगरी 330 टू 340 एंड एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो गाइज 400 टू 410 के आसपास एक्सपेक्ट किया गया है। नेक्स्ट, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, गाइज ये मैं जो बात कर रही हूँ ये स्टेट कोटा की बात कर रही हूँ। आप सभी को पता है दो कोटा से रिजर्वेशन होता है, एक ऑल इंडिया कोटा होता है, एक स्टेट कोटा होता है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% रिजर्वेशन होता है, जिसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, ठीक है, 600 अबव जाने वाली है उसकी ऑल इंडिया कोटा की। और जो स्टेट कोटा की अगर बात की जाए तो 85% रिजर्वेशन होता है, तो स्टेट कोटा की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर स्टेट में इतने मार्क्स यदि आपके बनते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपका 100% एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश अगर स्टेट की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की अनरिजर्व कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 470 टू 480। ओबीसी कैटेगरी 400 टू 405, एससी कैटेगरी 400 टू 405 एंड एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 330 टू 340 एक्सपेक्टेड माना गया है। नेक्स्ट गाइस, अगर हम बात करें त्रिपुरा स्टेट की, तो त्रिपुरा स्टेट के अंदर अनरिजर्व की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 480 टू 490 के आसपास मानी गई है। ओबीसी कैटेगरी 400 टू 405 प्लस माइनस आपका हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 2-3 अप टू 5 मार्क्स तक। एससी कैटेगरी 330 टू 340 एंड एसटी कैटेगरी 330 टू 340 एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर माना गया है। अगर हम मणिपुर स्टेट की बात करें तो मणिपुर के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 480 टू 485 मानी गई है। ओबीसी 400 टू 405, एससी कैटेगरी 330 टू 335 एंड एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 330 टू 335 के आसपास एक्सपेक्टेड माना गया है। नेक्स्ट गाइज, हम सिक्किम स्टेट की अगर बात करें तो सिक्किम के अंदर अनरिजर्व की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 500 टू 510 मानी गई है। ओबीसी कैटेगरी 500 टू 505 एंड एससी कैटेगरी 405 टू 410, एसटी कैटेगरी 360 टू 370 एक्सपेक्ट किया गया है। अंडमान निकोबार की बात की जाए तो अनरिजर्व की जो सेफ स्कोर माना गया है अनरिजर्व कैटेगरी का, वो 600 टू 610 माना गया है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 500 टू 510 एंड एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो गाइस 480 टू 490 एक्सपेक्टेड माना गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट्स पर। तो नेक्स्ट है आपका दिल्ली। अगर दिल्ली की एक्सपेक्टेड बात की जाए, अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो 623 टू 627 एक्सपेक्टेड माना गया है दिल्ली। गाइस, दिल्ली की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस होते हैं उन सब की कट ऑफ आपको हाई मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 570 टू 577 एक्सपेक्टेड माना गया है। एससी कैटेगरी 500 टू 510 एंड एसटी कैटेगरी 405 टू 410। यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर एक्सपेक्टेड माना गया है 590 टू 595
ओबीसी कैटेगरी के लिए 505 to 510, एससी कैटेगरी 465 to 470 एंड एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 340 to 350 एक्सपेक्टेड माना गया है। नेक्स्ट है आपका एमपी स्टेट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो 535 to 540 मानी गई है। गाइज ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो 525 to 530 मानी गई है। एससी कैटेगरी 440 to 444 एंड एसटी कैटेगरी 335 to 340 एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर माना गया है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस राजस्थान स्टेट की बात की जाए तो राजस्थान की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 590 to 595, ओबीसी कैटेगरी 580 to 585, एससी कैटेगरी 470 to 475 एंड एसटी कैटेगरी 460 to 465 मानी गई है। उत्तराखंड स्टेट की गाइस अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 535 to 540, ओबीसी कैटेगरी 505 to 510, एससी कैटेगरी 370 to 380 एंड एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 400 to 405, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड माना गया है। गाइज आप देख सकते हैं उत्तराखंड स्टेट के अंदर एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हाई मानी गई है कंपेयर देन एससी कैटेगरी। नेक्स्ट आता है बिहार, तो बिहार में अनरिजर्व कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो मानी गई है 585 to 590, ओबीसी कैटेगरी 580 to 585, एससी कैटेगरी 440 to 445 एंड एसटी कैटेगरी 455 to 460 एक्सपेक्टेड माना गया है बिहार स्टेट के अंदर। नेक्स्ट गाइज अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा की भी जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है कंपेयर देन अदर स्टेट्स। तो हरियाणा की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो 590 to 595 मानी गई है, ओबीसी कैटेगरी 575 to 580, एससी कैटेगरी 480 to 485 एंड एसटी कैटेगरी हरियाणा के अंदर नहीं है रिजर्वेशन। नेक्स्ट गाइज अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो मानी गई है 550 to 555, ओबीसी कैटेगरी 535 to 540, एससी कैटेगरी 480 to 485 एंड एसटी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मानी गई है 470 to 480। नेक्स्ट गाइज अगर पंजाब स्टेट की बात की जाए तो पंजाब स्टेट की अनरिजर्व कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 580 to 585, ओबीसी कैटेगरी 535 to 540, एससी कैटेगरी 440 to 445 और एसटी कैटेगरी नहीं है। नेक्स्ट गाइज हम बात करें अगर झारखंड स्टेट की, तो झारखंड स्टेट के अंदर जनरल की एक्सपेक्टेड जो सेफ मार्क्स माने गए हैं, सेफ जोन जो मानी गई है वो 580 to 585 मानी गई है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर गाइज 575 to 580 मानी गई है, एससी कैटेगरी 440 to 445 मानी गई है एंड गाइज अगर बात की जाए एसटी कैटेगरी की तो 375 to 380 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ स्टेट की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो 535 to 540 मानी गई है, ओबीसी 525 to 530, एससी 400 to 405 एंड गाइज एसटी कैटेगरी 335 to 340 एक्सपेक्टेड माना गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुजरात स्टेट की, तो गुजरात के अंदर जो जनरल की कट ऑफ मानी गई है वो मानी गई है 440 to 445, एससी कैटेगरी 335 to 340, एसटी कैटेगरी 255 to 65 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है। आप देख सकते हैं गुजरात स्टेट के अंदर काफ़ी कम कट ऑफ रही है, ठीक है, रहने वाली है। उड़ीसा स्टेट की अगर बात की जाए तो गाइज उड़ीसा के अंदर जनरल कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो मानी गई है 550 to 560, एससी कैटेगरी 455 to 460 एंड गाइज एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 335 to 340 एक्सपेक्टेड माना गया है। अगर आपके इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर इतने मार्क्स बन रहे हैं या इनसे अबव मार्क्स बन रहे हैं तो गाइज आप बिल्कुल सेफ जोन में है, 100% आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। MBBS कोर्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, और अगर BDS कोर्स के लिए आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइज अगर कोई स्टेट रह गया हो तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टेट की कट ऑफ आपको जाननी हो, पर्टिकुलर कैटेगरी की कट ऑफ जाननी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर गाइज वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपकी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे आपके एग्जाम से रिलेटेड। ओके, थैंक यू गाइज़।